फाइंड अ सोलमेट और मेक अ सोलमेट, आई थिंक अपने सोलमेट को खुद से बनाना ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मिंकी मेक अ सोलमेट को प्रेस मत करना, क्योंकि 3 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने भी मेक अ सोलमेट चूज किया था पर उसका रिजल्ट बहुत ही बेकार था। बेकार था पर कैसे? जरा सोचो, उसका सोलमेट पूरी तरीके से ह्यूमन है ही नहीं, वो हाफ ह्यूमन और हाफ काऊ है, और तो और वो बहुत ज्यादा डरावना दिखता है। पर मैंने तो मेक अ सोलमेट ऑलरेडी चूज कर लिया, अब मैं क्या करूँ? अब तो कोई होप नहीं बची है। 4 लेग्स या 2 लेग्स, वो 4 पैरों के साथ कितना डरावना लगेगा, ये क्वेश्चन कितना अजीब है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब ऑप्शंस देंगे। अगर अगला क्वेश्चन सेफ हुआ तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये तुम्हारी फ्रेंड की गलती है कि उसने ऐसे अजीब ऑप्शंस चूज किए। मुझे लगता है तुम ठीक बोल रहे हो, और वैसे भी उसे काउ से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। तो ईट ग्रास या ईट राइस, इन लोगों को मेरा सोलमेट बकरी लगता है जो वो घास खाएगा। ये तो बहुत वियर्ड होता जा रहा है। हाँ बट थैंक गॉड कि ये लोग मुझे सेफ ऑप्शन दे रहे हैं, और इस तरह से मुझे कोई वियर्ड ऑप्शन चूज नहीं करना पड़ रहा है। हे तुम दोनों बताओ, अभी मैंने पूरी क्लास को क्या पढ़ाया? वो हम लोग पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री में कैसे। हिस्ट्री? ये बायो की क्लास है। तुम दोनों अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। सॉरी, मेरी वजह से हमें क्लास से बाहर निकलना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे अभी एक और चॉइस मिली है। यहाँ लिखा है कि मैं अपने सोलमेट के लिए क्या चूज करूँ, कि उसके पास नोज हो या फिंस। अगर मैंने कोई रॉन्ग चॉइस की तो मेरा सोलमेट हाफ ह्यूमन और हाफ फिश हो सकता है। तुम्हारा मतलब है कि एक मर्मेट? वाओ, ये कितना कूल है। तुम पागल हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक मर्मेट से शादी करूंगी। मिंकी चलो ना, वहाँ चलकर आइसक्रीम खाते हैं। सच कहूँ तो मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे फिर से एक चॉइस मिला है कि मेरा सोलमेट रिच हो या शॉर्ट। मिंकी रिच चूज कर लो, क्योंकि हाइट से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। मिंकी आओ ना, आइसक्रीम खाते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, और वैसे भी मुझे मिल्क से एलर्जी है। फेट, मेरा सोलमेट मेरे पास 1 घंटे में आ जाएगा। ओके, मुझे घर जाना होगा। रुको मिंकी, जब तक मैं आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ क्या तुम मेरे साथ रुकोगी? नहीं नहीं, मुझे जाना होगा, बाय। मम्मी आपको पता है मेरा सोलमेट मेरे पास 5 मिनट में आ जाएगा। वाह मिंकी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वो कैसा दिखेगा। अब तुमने उसे खुद से बनाया है तो अच्छा ही होगा। ओके, मेरा सोलमेट बस आने ही वाला है। 3, 2, 1, जरूर ये वही होगा। हाँ, कहाँ है वो? कहीं वो गायब तो नहीं हो गया? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत। मिंकी तुम, रॉकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरे घर में खड़ी हो। मैं तो अपने सोलमेट का वेट कर रही थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं अभी अपनी सोलमेट का ही वेट कर रहा हूँ, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आई। ये मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद हैरान हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये और मैं सोलमेट्स हों। एनीवेज, मुझे लगता है कि ये बस एक मिस्टेक है। जाहिर सी बात है, ये एक मिस्टेक ही है। Hey guys, क्या तुम लोग अपने सोलमेट से मिले? अब तक तो नहीं। क्या तुम सीरियस हो? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, और तुम लोगों ने पहले डेट भी किया हुआ है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल है मिंकी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। तुम पागल हो गई हो, अपनी बकवास बंद करो, वो तो वक्त ही बताएगा। खैर रॉकी, तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं, मैं बस सोलमेट सेंटर का एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वजह है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हो, और मेरी गट फीलिंग कभी भी गलत नहीं होती है। कल जो भी हुआ, मुझे लगता है उसकी वजह से मैं और रॉकी एक दूसरे के साथ काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। तुम्हें अजीब लग रहा है क्यों? क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो? पसंद? और तुम्हें? भला मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगी? और तुम्हारी तो हर हफ्ते हजारों गर्लफ्रेंड बनती है। नहीं, एक्चुअली अभी मेरे पास 3,000 है, और इसमें गलत ही क्या है? मैं बस अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। रॉकी, तुम सोलमेट सेंटर का एड्रेस ढूंढ रहे थे ना, क्या तुम्हें वो मिल गया? हाँ मुझे मिल गया है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चल सकते हो? मुझे जल्द से जल्द अपने सोलमेट को ढूंढना है। हाँ मिंकी, तुम्हारे लिए कुछ भी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में आई कैसे? मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, मुझे भी नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे आई। हाँ हम लोग यहाँ वही पता करना है, पर तुम्हें पता है मुझे फील हो रहा है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि पक्का तुम ही मेरी सोलमेट हो। और मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हारी सोलमेट होने से अच्छा तो मैं अपने हाथों से खुद को गंजी कर लूं। ओके, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम मेरी सोलमेट हुई तो तुम्हें खुद को गंजा करना होगा, और अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस, हमें रिजल्ट पता चल गया, और ये साबित हुआ है कि रॉकी आपका सोलमेट है। क्या? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तो हमेशा ही सही होता हूँ। ये नहीं हो सकता। तो जैसा कि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम मेरी सोलमेट हो, तो अब तुम्हें अपनी शर्त पूरी करनी होगी।